की जो शिक्षा है, बुद्ध ने जो हमें दिया है, जो अपने अनुभव बांटे हैं, वो अनुत्तरीय है। अर्थात बुद्ध की शिक्षा बड़ी अनुत्तरीय है, अर्थात श्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है, और तुलनीय है, और साधारण है, और द्वितीय है, और विशेष है। तो इस शिक्षा हम देखने की कोशिश करते हैं। बुद्ध ने बहुत ही सुंदर उपदेश दिया है, जो हम बहुत कम जानते हैं, क्योंकि हमें बुद्ध के बारे में उतना जानकारी, जैसे जैसे हमें पता चलता है, तो हमें ऐसा का बुद्ध का महत्व समझ में आ जाता है। लेकिन हमें स्पष्टता जब तक नहीं होगी, तब तक बुद्ध नहीं समझना। इसलिए बुद्ध बहुत ही महान, और इसीलिए कहते हैं अनुत्तरीय, अनुत्तरीय शिक्षा। बहुत सारी शिक्षा है बुद्ध की। तो बुद्ध की शिक्षा अगर देखिए, अनुत्तर कौन सी शिक्षा है, अगर आप देखेंगे तो आर्य अष्टांगिक मार्ग है, चार आर्य सत्य अनुत्तर है, सात बोध्यंग अनुत्तर है। अगर अगर देखे आगे, पंचधम्म इंद्रिय अनुत्तरीय है, सात बोध्यांग, पंचधम्म इंद्रिय, पंचबल, 33 बोधि पक्षीय अनुत्तरीय। बुद्ध की सबसे श्रेष्ठ शिक्षा क्या है? 33 बोधि पक्षी, 33 बोधि पक्षीय अनुत्तरीय शिक्षा है। तो 33 बोधि पक्षियों में कौन सी, कौन कौन, क्या क्या आता है? तो चार सतिपट्ठान, चार सम्यक प्रधान, चार रिद्धिपाद, पांच इंद्रिय, धम्म इंद्रिय, पांच बल, सात बोधयांग, और आर्य अष्टांगिक मार्ग। ये कुल मिलाकर 33, 37 बोधि पक्षीय कहा जाता है इसको, और ये अनुत्तरीय है। इसको कहा शिक्षानुत्तरीय, बुद्ध की शिक्षा। शुरुआत अगर देखते हैं तो कहाँ कहते हैं, चार सतिपट्ठान, फिर चार सम्यक प्रधान, अर्थात उसको हम, चार सतिपट्ठान का अर्थ होता है चार अनुपसना, कायानुपसना, वेदनानुपसना, चेतनानुपसना और धम्मानुपसना। उसके बाद चार सम्यक प्रधान, अर्थात चार प्रयत्न, साधना, जिसको हम कहते हैं टालना, अर्थात जो अकुशल है उसको अंदर नहीं आने देना। एक दूसरी बात, जो अकुशल पहले से हमारे भीतर है उसको बाहर निकालना, भगाना। तो टालना, भगाना, अर्थात जो अकुशल हमारे भीतर है उसको भगाना, मतलब नष्ट करना। ये दो प्रयत्न हो गए, दो प्रधान हो गए। तीसरा, जो कुशल है उसको आने देना, जो जो भी कुशल है आने देना, और जो कुशल पहले से है हमारे भीतर उसकी रक्षा करनी। इस प्रकार ये चार सम्यक प्रधान कहा जाता है। उसके बाद में चार रिद्धिपाद है। रिद्धिपाद छंद है, मीमांसा है, वीर्य है, समाधि है। ये जो चार रिद्धिपाद है, इसको हासिल करने के लिए प्रयत्न शुरू करना, और उसके बाद में पांच धम्म इंद्रिय है, जिसको हम कहते श्रद्धा, फिर कहते वीर्य, फिर कहते स्मृति, और फिर कहते समाधि, और उसके बाद प्रज्ञा। ये चार धम्म, पांच धम्म इंद्रिय, और फिर पांच धम्म बल, जिसको कहते बल कहते, और वही पांच बल ये है श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा। इस प्रकार ये हो गए 22 और सात बोधयान। सात बोधयान के बाद में आर्य अष्टांगिक मार्ग, आठ, अर्थात 33। तो ये 33 बोधि पक्षीय अनुत्तरी है। बुद्ध की शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, अनुत्तरीय शिक्षा है। और इसको कौन हासिल करता है?
क्या कहते हैं, एक गाथा कहती है, क्या गाथा कहती है, सम्मा संबुद्धम अतुलम, सम्मा संबुद्धम अतुलम सधम्म गणुत्तम, गणुत्तम उत्तम। अर्थात बुद्ध के बारे में क्या कहा है, सम्मा संबुद्धम तुलम, तुलम माने बुद्ध की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। सम्मा संबुद्ध अर्थात जो सम्यक संबुद्ध है, जैसे शाक्य मुनि बुद्ध, गौतम बुद्ध जिनको हम कहते, तो सम्यक संबुद्ध की तुलना किसी से भी संसार में किसी से भी नहीं की जा सकती। इतना उच्च स्तंभ पद है, अनुत्तरीय पद है, ये तुलना नहीं कर सकते ना, कोई उत्तर नहीं, जिसका कोई उत्तर नहीं है अनुत्तर। ऐसे बुद्ध का धम्म हमें मिला है, तो बुद्ध का धम्म भी है जो 37 पक्ष है, ये भी अनुत्तरीय है, श्रेष्ठ है, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती धम्म की और बुद्ध की, सम्यक बुद्ध की, सम्यक संबुद्ध जिसको कहते हैं। और ये शब्द गंभीर है, अगर हमें ऊपर ऊपर देखे तो ऐसा ही लगे कि सम्यक संबुद्ध बोले बुद्ध है, आगे अपन बताएंगे क्या होता है। लेकिन क्या कहते हैं, ये गाथा कहती है, बड़ी महत्वपूर्ण गाथा है, सम्मा संबुद्धम तुलंग, अर्थात कोई तुलना नहीं, तुल्य अतुल्य, जिसकी कोई तुलना नहीं, ऐसे बुद्ध सम्यक संबुद्ध को हम नमन करते, प्रणाम करते, और उनके सधम्म गणुत्तम उत्तम, गण 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 माने संघ, क्या कहें, सधम्म सधम्म अर्थात बुद्ध के द्वारा आई हुई शिक्षा सधम्म, ये भी अनुत्तरीय है। और इस बुद्ध के धम्म के अनुसार गण गणुत्तम, गण माने संघ, तो बुद्ध का ये जो संघ है, अरे बुद्ध का जो संघ है, ये संघ अनुत्तरीय है, गणुत्तम सबसे उत्तम है। अर्थात बुद्ध धम्म संघ, इधर हाथ नहीं लगाना बेटा, ये जो है तीनों उसको खल, सॉरी उसको बंद कर देते हैं। हाँ यार, थैंक यू। तो ये बुद्ध धम्म और संघ अनुत्तरी है, कैसे अनुत्तरी है, कि इनमें जो शिक्षा है बाहर कहीं भी संसार में ये शिक्षा नहीं है। लेकिन कभी कभी हम इस बुद्ध को चूक जाते हैं, जैसा वो उपक चुक गया था, चुक गया था उपक नाम का एक सन्यासी, बुद्ध तो प्राप्त के बाद ही जैसे निकले बुद्ध, और उनको चुक गया, बुद्ध को पूछा ही नहीं उन्होंने कि ये क्या होता है, बुद्ध क्या होता है, ऐसा याचना करता बुद्ध क्या होता है, तो शायद पहला शिष्य होता है वो उपक, लेकिन चुक गए, क्योंकि वो बुद्ध को कोई समझे नहीं। हमारे भी अभी बाबा साहब ने दीक्षा देने के बाद हमारी भी दशा उपक के समान तो नहीं देखना पड़ेगा, इतने सारे बौद्ध बने हैं, बाबा साहब ने बना है, हम सब, ये अनुत्तरीय कार्य किया बाबा साहब ने, और बोधिसत्व का कार्य ही होता है वो अनुत्तरीय कार्य करते हैं, इसलिए तो हम कहते ना, क्या कहते हैं वो वंदना में, वैकालिक सब बुद्धों को सद्धम्मता उत्तम संगत, बुद्ध क्षेत्रों के परमाणु की संख्या जितने प्रणाम करता हूं, ऐसा ही नहीं कहा किसी बोधिसत्व ने, ऐसा ही नहीं कहा श्री शरण राम के, आज ही जगत की रक्षा में बुद्ध सर्व भय नाशक दस बलों से पूर्ण, दस बलों से पूर्ण बुद्धों की तथा बोधिसत्व संघ की, यहाँ कहा है बोधिसत्व संघ की, अर्थात बोधिसत्व मामले में होते अनुत्तरीय होते, लेकिन हम कब देखेंगे, हमें देखने का गंभीरता से देखना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है कि बोधिसत्व माने क्या है, केवल बाबा साहब माने बोधिसत्व बस ऊपर से नहीं, ऐसा संगत दिया, ऐसा धम्म दिया,
और ऐसा बुद्ध हमारे पास में छोड़ गए जाते जाते, ऐसा ही नहीं छोड़ा। संविधान तो एक सहूलत, लेकिन संविधान नहीं माना लोगों ने, तो कितना भी अच्छा संविधान हो अगर मानने वाले लोग नहीं रहे तो वो संविधान संविधान नहीं रहे। हम इसीलिए बुद्ध के तरफ ले गए बाबा साहब, क्योंकि संसार का विकास, संसार का उद्धार अगर होता है तो बुद्ध धम्म से होता है। इसे धम्म अतुलनीय, अनुत्तरी है। तो कौन सा धम्म अनुत्तरी है? तो शिक्षा तो बहुत सारी है, 35 पक्ष बताए, लेकिन यहाँ क्या कहते हैं? अनुत्तरीय संघ है, पुण्य क्षेत्र में पदार्पण करता है। तो पुण्य क्षेत्र कौन सा है, किसको पुण्य क्षेत्र का है, और ये जानना जरूरी है, क्योंकि अनुत्तर कहना अतः श्रेष्ठ है कहते हैं, लेकिन पुण्य क्षेत्र निर्माण करता है संघ, और वह संघ तब पुण्य क्षेत्र निर्माण करता है जब वह बुद्ध धर्म के उस बंधनों को देखता है, 10 बंधनों को देखता है। और 10 बंधनों को कौन से बंधन है? 10 कि वो जो उसको लोकोत्तर कहा गया, उसको लोकोत्तर शिक्षा कहा गया। और ऐसी शिक्षा अभी हम जो पढ़ते हैं, हम जीवन जीते हैं, लौकिक जीवन है, भौतिक जीवन है, सांसारिक में रहकर भी हम अगर अनुत्तरी जाना है हमें, तो 10 बंधन की तरफ हमें कुछ करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। 10 बंधन जो है उसको संयोजन कहा गया है, और उस संयोजन 10 कह गए। तो पहला संयोजन है बंधन, जिसको कहते बंधन, हम बंधे हुए हैं इन 10 बंधनों में, हम बंधे हुए हैं, और जब तक हम इसमें बंधे हुए रहेंगे तो बुद्ध कैसा समझ में आ जाएगा? बुद्ध इसलिए नहीं समझ में आ जाता है क्योंकि हम बंधनों से मुक्त नहीं है, बंधनों को देखा ही नहीं है, हमें ऐसा लगता है कि नहीं है कि बंधन में है। ये तो कहा गया है, क्या कहते हैं, बंधन के बारे में, दल्लम नेतम बंधन बंधन माउधीरा, क्या कहते हैं, बंधन माउधीरा। बंधन कितने बंधन है? लकड़ी का बंधन है, लोहे का बंधन है, रस्सी का बंधन है। रस्सी का बंधन है, रस्सी की हथकड़ी लग सकती है, लोहे की हथकड़ी लग सकती है, लकड़ी की पिंजरा बनाकर उसमें रख सकते हैं, लोहे का पिंजरा बनाकर रख सकते हैं, रस्सी के पिंजरे में रख सकते हैं। ये बंधन है, लेकिन इसको से बंधन, इसको तो इस बंधन को छोटे बंधन कहा गया, लेकिन ये जो बंधन है दिखाई नहीं देते और हम बंधे हुए हैं। ऐसे बंधन है, हमें लगता कि नहीं हम बंधन में नहीं है, हम तो स्वतंत्र है, लेकिन नहीं, हम बंधन में है। बुद्ध की शिक्षा अनुत्तरी है, इस बंधन को अगर हम समझ जाए तो पहला बंधन कहते हैं सत्ता दुखी, दूसरा बंधन है वीति किस्सा, तीसरा बंधन है तील व्रत परामर्श, चौथा बंधन है काम राग, पांचवा बंधन है व्यापार, छठवा बंधन है रूप राग, सातवा बंधन है अरूप राग, आठवा बंधन है मान अहंकार जिसको कहते हैं, नौवा बंधन है उद्धत्य अर्थात बेचैनी, जिसको हम चिंता भी कहते हैं, जिसको हम अस्थिरता कहते हैं, विचलितता कहते हैं, और 10वां बंधन है अज्ञा। और ये 10 बंधन में कहीं ना कहीं हम फंसे हुए हैं, लेकिन हमें लगता है कि हम फंसे नहीं, और इसीलिए हमें बुद्ध यहाँ क्या कहते हैं कि अनुत्तर पुण्यम क्षेत्रम, पुण्य क्षेत्र अगर निर्माण करना है श्रेष्ठ, तो ये कौन पुण्य क्षेत्र निर्माण करता है कि बुद्ध का शिष्य, बुद्ध का श्रावक संघ, जिसको हम आर्य संघ कहते हैं। ऐसा एक संघ नहीं कहा गया, एक से बढ़कर एक शिक्षा संघ की होती है, इसलिए शिक्षानुत्तरीय कहा गया। शिक्षानुत्तरीय का अर्थ ही होता है कि वो शिक्षा है कि जो अनुत्तर है, श्रेष्ठ है, और उसमें जो पदार्पण करता है ऐसा संघ, पुण्य क्षेत्र निर्माण करता है, फिर वो कहीं भी जाएगा ना,
कहीं भी जाएगा वो, तो वो डरता नहीं। जैसे पूर्णा का एक उदाहरण आपने अगर सुना होगा, बहुत बार सुना है, पूर्णा नाम का एक भिक्षु औरत को प्राप्त होता है, अर्थात वो 10 बंधन को तोड़ता है, और जब 10 बंधन को तोड़ता है तो पुण्य क्षेत्र निर्माण करता है, और पुण्य क्षेत्र जब निर्माण करता है अर्थात औरत मामूली बात नहीं है। पूर्णा को जब अर्हत्व तो प्राप्त होता है, बुद्ध के पास जाते हैं और कहते, भगवान मैं उस देश में जाना चाहता हूँ, सुपराम देश में जाना चाहता हूँ। बुद्ध कहते, वहां के लोग तो बड़े निष्ठुर हैं, छल करने वाले, कपट करने वाले, ताने मारने वाले हैं, गाली गलौज करने वाले हैं। पूर्णा, वहां के लोग बड़े निष्ठुर है, अच्छे नहीं है, कपटी है। पूर्णा कहता है कि भगवान कितने अच्छे लोग है, कितने भले लोग है, वो तो खाली गाली गलौज करते हैं, कठोर बोलते हैं, ताने मारते हैं। हाँ, गाली गलौज करते निष्ठुर है तो क्या हो गया, लेकिन हाथवारे तो नहीं करते, लाठों से तो नहीं मारते, हाथों से तो नहीं मारते, बुक्की से तो नहीं मारते, कितने अच्छे लोग हैं भगवान, मैं वहां जाना चाहता हूँ। बुद्ध कहते, नहीं पूर्णा, वहां के लोग गाली गलौज ही नहीं करते, कठोर ही नहीं बोलते, ताने ही नहीं मारते हैं, तो वो हाथ वारे भी करते, लाखों से मारते, बुक्की से मारते, हाथों से मारते। पूर्णा कहते, वाह भगवान कितने अच्छे लोग हैं, कि लातों से हाथों से ही मारते हैं, वो लकड़ी पत्थरों से तो नहीं मारते, ढेले से तो नहीं मारते, कितने अच्छे लोग भले लोग हैं, मैं जाना चाहता हूँ भगवान वहां। बुद्ध कहते, नहीं पूर्णा, वहां के लोग गाली गलौज ही नहीं करते, हाथ लातों से भी नहीं मारते, तो ढेरों से मारते, पत्थरों से मारते। हाँ, तो पूर्णा कहता है कि भगवान कितने भले लोग हैं, कितने अच्छे लोग हैं, जो हाथों से लातों से मारते और ढेले से नहीं मारते, कम से कम वो तो चक्कू छुरी से, तलवार से, भाले से, शस्त्रों से तो नहीं मारते, कितने अच्छे लोग हैं भगवान, मैं जाना चाहता हूँ। बुद्ध कहते, पूर्णा, वहां के लोग गाली गलौज ही नहीं करते, हाथों से लातों से ही नहीं मारते, ढेले पत्थरों से ही नहीं मारते, वो चक्कू से, छुरी से, तलवार से, शस्त्रों से भी मारते हैं, मार डालते हैं, हत्या कर डालते हैं, वहां के लोग बड़े निष्ठुर है, कठोर है। पूर्णा कहते, वाह भगवान कितनी अच्छी बात है, वो लोग जब शस्त्र से मारते हैं तो ये जीवन है मेरा, कल मेरे से जो गलती होने वाली है, कोई चूक होने वाली है, वो चूक, वो गलती तो नहीं होगी कल से मेरे से, अगर आज मुझे समाप्त कर दे वो, और मैं जब समाप्त हो जाऊंगा तो कल मेरे से कोई गलती नहीं होगी, कोई चूक नहीं होगी, इतने अच्छे लोग हैं कि जीवन से मुझे मुक्त कर रहे हैं, इतना अच्छा पुण्य का कर्म कर रहे हो भगवान, मैं वहां ही जाना चाहूंगा, अच्छे लोग है वहां। अब क्या बोलेंगे बुद्ध, इसको कहते पुण्य क्षेत्र, पुण्य क्षेत्र बना गया हो वहां, सुपरान देश में जाकर कितना अच्छा काम किया उन्होंने, सुपरान देश में जाकर। पूर्णा को बोलते, साधु साधु साधु। बुद्ध क्या कहते, ठीक है पूर्णा, आप क्या है, जब तुम मरने के बाद भी अब तेरे लिए क्या रह गया, तो सही में धन्य है, अनुत्तरी है, अर्थात इसको अनुत्तरी कहते हैं, उस लायक जब हो जाता है तो उसको अनुत्तरीय कहते हैं। तो अनुत्तरीय मतलब मामूली शब्द नहीं है, ये अनुत्तर जो लोग होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, ये अपना पुण्य क्षेत्र निर्माण करते हैं, जहां जाते हैं वहां पुण्य क्षेत्र निर्माण करते हैं। गामे वा ये दीवार अन्य नन्हे वा ये निन्ने वा ये दीवा कले, क्या कहते बुद्ध, गामे वा ये दीवा रन्ने, रण्य माने रण, रण माने जंगल, सिर्फ कोई ग्राम में रहे, जंगल में रहे, पर्वत में रहे, खाई में रहे, सपाट जमीन में रहे, ऊबड़ खाबड़ जमीन में रहे, कहीं भी जाए, कोई भी देश में जाए, कोई भी प्रदेश में जाए, बुद्ध कहते गामे वा ये दीवा रण्य निन्ने वा ये दीवा थले, यथा रहं तो जिहरन्ति तं भूमि राम ने यत्तम। क्या कहते, जहां ऐसे लोग जाते हैं
जहां जहां भी ऐसे लोग जाते हैं, कहां कैसे, यथारहंतो ऐसे अरहंत, यथारहंतो मतलब यथारहंतो माने ऐसे अरहंत लोग, ऐसे अरहत लोग विहरती विहरंती, यथारहंतो विहरंती अर्थात विहरण करते विचरण करते, ऐसे अरहत लोग जहां जहां भी विचरण करते, जहां जाते जहां रहते हैं, उस क्षेत्र को पुण्य क्षेत्र बना देते हैं। बुद्ध कहते हैं कि यथारंत विरंती तंग भूमि, उस भूमि को, अगर वो भूमि कैसी भी हो, सपाट हो, ऊबड़ खाबड़ हो, जंगल से भरा हो, गांव हो, कस्बा हो, पर्वत हो, खाई हो, जहां भी हो, कैसी भी भूमि हो, कैसे भी लोग हो, जन जानवर के समान व्यवहार करने वाले लोग हो, किसी भी प्रकार के लोग हो, वहां ये लोग जब जाते तो वहां पुण्य क्षेत्र बना देते, पुण्य भूमि बना देते। यथारंतो विरंती तं भूमि रामणीयकं, रमणीय स्थान बना देते ऐसे, और उसको अमित स्तरीय कहा है, उसको पुण्य क्षेत्र कहा है। तो ऐसे पुण्य क्षेत्र को हमें क्या करना पड़ता है, निर्माण करने के लिए हमें ये गठबंधन जो है, इस बंधन को पहले देखना पड़ता है, और इस बंधन को देखकर उसके ऊपर कार्य करना पड़ता है। तो सबसे पहले जो तीन बंधन है, ये तीन बंधन हमारे मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तीन बंधन जो है मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इस तीन बंधन को अगर हम इस जीवन जिन जीवन में आए हैं, मनुष्य जन्म अगर मिला है, इस तीन बंधन को तोड़ना ही है। अगर जो नहीं तोड़ सकता तो उसका मनुष्य जीवन बेकार, मनुष्य जीवन बेकार, तो इसको समझना जरूरी है, क्योंकि जीवन ये ऐसा गंभीर है, गंभीरता से देख लेना है इसको, क्योंकि ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। किच्छो मनुष्य पटिलाभ हो, कठिन है जीवन मिलना, किच्छो मनुष्य पटिलाभ हो, किच्छो मच्छानम जीवितम, किच्छो सद्धम्म श्रवणम, धम्म श्रवण करना भी कठिन है, अनुत्तरीय है, इसलिए अनुत्तरीय कहा है, धम्म श्रवण अनुत्तरीय, तो धम्म श्रवण करना मामूली बात नहीं है। इसलिए कहा गया है इस तीन बंधन, ये तीन बंधन अगर हम इस जीवन में नहीं तोड़ते तो हमारा मनुष्य जीवन बेकार है। क्ष किरणों से काया देखी जाती है, विज्ञान युग का चमत्कार है। क्ष किरणों से, एक्सरे से, क्ष किरणों से काया देखी जाती, विज्ञान युग का चमत्कार है, मगर मन में क्या क्या गजब भरा है, प्रज्ञा विनय सब बेकार है। तो प्रज्ञा निर्माण करने के लिए, इस तीन बंधन को तोड़ने के लिए प्रज्ञा प्रज्ञा निर्माण करनी पड़ेगी, और जब तक हम प्रज्ञा निर्माण नहीं करेंगे तो तीन बंधन देखेंगे कैसे। तो तीन बंधन है सत्ताय दृष्टि, नीति किस्सा और शीलवत परामर्श। कम से कम मनुष्य जीवन में ये प्रतिज्ञा करना चाहिए, प्रज्ञा से देखना चाहिए, और ये तीन बंधन पर कार्य करना चाहिए। और जब हम तीन बंधन पर कार्य करते हैं तो निश्चित हम श्रोतापत्ति फल प्राप्त कर सकते हैं, और श्रोतापत्ति फल प्राप्त करना अर्थात अनुत्तरीय, बुद्ध की ये शिक्षा अनुत्तरी है, तीन बंधन को तोड़ना, श्रोतापन्न बनना ये अनुत्तर है। पहला अनुत्तर ये है सबसे श्रेष्ठ, अभी तक जो बताया हमने, तो पहली शिक्षा, पहला स्टेप, पहला चरण है श्रोतापत्ति फल प्राप्त करना अनुत्तरी है। और ये अनुत्तरीय को जब तक हम नहीं समझते हैं, जब तक इस लाइन में नहीं लगते हैं, तो हम समझे कि हमारा जीवन बेकार है, हम बौद्ध बौद्ध बनने से नहीं होगा, बुद्ध की जय जयकार करने से नहीं होगा, बाबा साहब की या और जितने भी हमारे संत साधु सन्यासी बोरी से तो हो गए, उनकी जय जयकार करने से नहीं होगा, वो तो ऊपर की बात है, ये तो कोई भी कर सकता है। और इसीलिए ये तीन बंधन को हमें पहले आत्मसात करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सबसे पहला बंधन है सत्काय दृष्टि, काया की, काया काया मैंने क्या, ये काया को समझना पड़ेगा।
ये काया में क्या है समझना पड़ेगा, मन में क्या है समझना पड़ेगा। मैंने कहा ना, क्या कहा? मन में क्या क्या गजब भरा है, प्रज्ञा विनु सब बेकार है। तो सत्काय दृष्टि ये काया मिली है, ये काया जो है ये हमें इसको समझना पड़ेगा। काया है, सत्काय दृष्टि सबसे बड़ा बंधन है और यही खतरनाक बंधन है। इसको समझ तो लेते हैं हम, लेकिन कार्यान्वित नहीं करते। कहीं ना कहीं हम फंसे रहते, कहीं ना कहीं हम समर्थन करते किसी त्योहारों का, किसी दिवाली हो, होली हो, किसी त्योहारों का समर्थन करते, किसी के बात का समर्थन करते, कभी कोई मर जाता तो उसकी आत्मा शांति करने के लिए समर्थन करते, भूल जाते कि आत्मा क्या है, या है या नहीं है। सत्य दृष्टि पक्के दृष्टिकोण से लड़ते हुए हम लोग, हम पूर्वाग्रह में रहते हैं। पूर्वाग्रह माने क्या? कि हमने जो सोच के रखा है वही सही होना चाहिए। पति को लगता है कि पत्नी ने मेरी बात सुनना चाहिए, पत्नी को लगता है कि पति ने मेरी बात सुनना चाहिए, बाप को लगता है कि बेटे ने मेरी बात सुनना चाहिए, भाई ने मेरी बात सुनना चाहिए, हर किसी को ऐसा लगता है। ऑफिसर को लगता है कि चपरासी ने मेरी बात सुनना चाहिए, बाबू ने मेरी बात सुनना चाहिए, बाबू को लगता है चपरासी ने मेरी बात सुनना चाहिए। हर पक्के दृष्टिकोण बना के रखते हैं। हमारा उसका उद्देश्य ये रहता है कि मेरी बात अगर नहीं सुनी तो फिर अहंकार आ जाता है। अहंकार क्या कहा इसको? अहंकार को समझ में नहीं आता है, कहाँ से आता है, कैसा आता है, चित्त के इसको मन को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। चित्त को पकड़ना मतलब मन को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। हम छोटी छोटी बात में उलझे हुए पक्के दृष्टिकोण बना करें। बार बार क्यों आ रहे बेटा, जल्दी से जा, यहाँ मैं प्रवचन कर रहा हूँ, यहाँ बार बार डिस्टर्ब हो जाता है, ये गेट बंद कर दे, अब मत आना। सॉरी। तो इसीलिए हमें अपने मन को देखना पड़ेगा, मन किसके अधीन है, किसके इंद्रियों के अधीन है। हाँ, पांच इंद्रिय और सत्वा मन, तो पांच इंद्रियों के अधीन हम कार्य करते हैं और हम जो करते हैं वही सही है। सत्य सत्य दृष्टि ऐसी ऊपर ऊपर की नहीं है, दृष्टि के साथ इसके भी बड़ खतरनाक है। ये जो तीन बंधन है, पहला जो बंधन है मैं हूं, ये शब्द इसमें मैं, सत्य दृष्टि क्या है? मैं मेरा है, मैं और मेरे में जब तक हम लटके हुए हैं सत्ता दृष्टि में। और इसको प्रज्ञा से देखना है, प्रज्ञा से देखना है। लेकिन मैं और मेरा इसको ही हम नहीं समझ पाए तो सत्ता दृष्टि में लटके हैं। और इसका जरूरी है, मैं कहना जरूरी है, मेरा कहना जरूरी है, लेकिन मेरा भाव क्या होना चाहिए? तो यहाँ आता है सत्कार, अर्थात ये जो काया बनी है मैं नहीं हूं, पृथ्वी जल वायु तेज, अर्थात पृथ्वी आप तेज वायु, ये चार माँ भूतों से बना हुआ है। तो मैं यहाँ कहाँ है? पृथ्वी पृथ्वी अलग कर दो, कहाँ है मैं? जल जल अलग कर दो, वायु वायु अलग कर दो, तेज आग अलग कर दो, कहाँ है मन? तो लेकिन हम मन मेरा, और जहां मेरा आ गया तो तेरा आ जाएगा, मैं और तू, बस मैं है मैं हूं, इसे तू न तू है, तो तू अहंकार है, तू मेरे से छोटा है, मैं हूं तू कुछ नहीं। यहाँ बीच में काम करता है, उसको युक्त कहा गया। युक्त बहुत बड़ा शब्द है और अनायास आ जाता है। संप्रयुक्त नहीं आता, संप्रयुक्त में साथ जुड़ा है। और इसलिए हमें हमें ये सत्ता दृष्टि समझना पड़ेगा, मैं मेरा मेरा मेरा,
प्रकार के मय है। 136 करता तोता, मना पसा वना भूसा। बुद्ध कहते 136 करती सोता, सोता माने स्रोत, धारा प्रवाह। 136 सती धारा, 36 धारा है मय की। 136 करती, 136 करती माने 36 सोता स्रोत माने धारा प्रवाह, मतलब 36 प्रकार के क्या है, मना पसावना भूसा। भूसा माने बहुत ज्यादा, मन को पसावना, मन को लुभाने वाले, ये 36 प्रकार के स्रोत है। किस किस को तुम करोगे कम? मैं 36 प्रकार का है, और कहीं ना कहीं 36 प्रकार में हम कोई ना कोई मन मय में फंस जाते हैं, और इसीलिए हम 27 दृष्टि में रहते हैं। और हमें लगता कि नहीं, हम तो 27 दृष्टि में नहीं, हम तो बहुत अच्छा रास्ते में, बुद्ध है, बौद्ध है, बहुत कठिन है, ऐसा ही नहीं होता। इसलिए ये मय को समझना पड़ेगा, 27 दृष्टि को समझना पड़ेगा, शरीर में क्या क्या है इसका रहस्य समझना पड़ेगा, और इसमें क्या गंदगी है। परिजिन्न मिदंग रूपंग रोग निधंग पबंगुरंग, क्या है इस शरीर में, फिर भी मैं कह रहा हूं क्या है, समझ ही नहीं आता। निर्भर है, कल एक शब्द आया था निर्भर, बहुत अच्छा शब्द था निर्भर। हम निर्भर है किसके ऊपर है, आहार के ऊपर निर्भर है हम, किसके ऊपर निर्भर है, ये जो जल वायु अग्नि और पृथ्वी, इससे इससे हम निर्माण हुए। ये अगर नहीं होते तो निर्भर होते क्या? निर्भर एक दूसरे की, ये जो कंबाइन है, जब मिल जाता है एक दूसरे पर निर्भर, इसलिए है कि अगर ये अलग अलग किए तो मैं भी नहीं रहेगा, मैं नहीं रहेगा। अर्थात मैं कैसा नहीं रहेगा कि पृथ्वी को अलग कर दो। पृथ्वी क्या है, तो शरीर में पृथ्वी क्या है, उसको समझना पड़ेगा क्या क्या है। पृथ्वी धातु में जल धातु क्या है, आग का आंसू है, नाक का दीप है ना, क्या कहते हो प्रकृति को, बुद्ध कहते हो प्रकृति आनंद का कौन सा अंग चाहिए तेरे को, आनंद कैसा प्यारा है तुमको, प्रकृति कहते ना, चांडाल प्रकृति मातंग कन्या, हाँ बोलते मुझे आनंद चाहिए, मैं उसी से शादी करूंगी, तो किससे शादी करेगी, क्या प्यारा है तुमको उसका, तो बोलते उसका नाक प्यारा है, बुद्ध कहते उसने तो नाक में तो पूरा रेमट भरा हुआ है, गंदगी भरी हुई, तो उनकी आंख क्या है, तो आंख में आंसू है, कीचड़ है, चिपड़ आ जाता है, तो क्या क्या चाहिए, तो एक एक बात बता। कान में पीप भरा हुआ है, मुंह में बलगम है, थूक है, लार है, मल मूत्र है, सब ये शरीर में क्या है, क्या पसंद है तेरे को, और मैं कहते रहे कि हम लोग अगर भीतर देखा, परी जिन्न निदंग रूपंग रोग निदंग पभंगुरंग, विद्यति पुत्ति संदेह मरण जीवितम, ये जो आदमी जीवन जीवित हो गया, जन्म जिसका हुआ है वो एक दिन मरने वाला है, फिर भी मय के पीछे लगा है, और इसलिए उसको समझना पड़ेगा, उसे जानना पड़ेगा 27 दृष्टि। अगर जब तक हम लोग जानेंगे, अनुत्तरीय है पहला बंधन, तोड़ना ही अनुत्तरीय है, और फिर दूसरा बंधन भी तोड़ना अनुत्तरीय है, तो मैं और मेरा इसके पीछे हम कब तक रहेंगे, कब समझेंगे इसको, मय को, मेरा 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 जमीन, मेरा धन, मेरा ला मेरा पुत्र, हाँ मेरी जमीन, मेरा धन, मैं, और मैं जिस दिन मर जाता है तो 1 हफ्ते के बाद में कोई किसी को पूछता नहीं मर गया, क्या क्या हो गया क्या नहीं, 1 साल के बाद तो याद भी नहीं आता कहाँ चला गया पता नहीं, घर के अपने माँ बाप है, दादा दादी है, चले गए, याद आता है क्या, लेकिन हम इस मय को नहीं समझते। बुद्ध याद है, बुद्ध 2500 वर्ष हो गए, गए 2600 वर्ष हो गए, लेकिन याद है, बाबा साहब अभी चले गए, याद है क्यों, क्योंकि उन्होंने बोधिसत्व बनकर अपना कार्य करके चले गए, और इसलिए वो याद है। हमारे याद कौन करेगा, कई लोग मर गए, हमारे माता पिता पूर्वज कितने गए, कितना याद आता है,
इसीलिए हमें इस मय को समझना पड़ेगा, मय के स्रोत को, मय के स्रोत को देखना पड़ेगा। मैं, मेरा, मेरी आत्मा कलपती है, ये जो शब्द आते ये निरर्थक शब्द है। मेरी आत्मा की शांति करना है, शांति भोज देना है, वो अगर मेरे पिताजी के पिताजी मर गए तो उसकी आत्मा की शांति, ये जो है संत शब्द, ये क्या है? सच का दृष्टि। अगर हम बहुत ही समझ गए तो कहते हैं नहीं, मुझे शांति भोज देना है। शांति भोज का एन के प्रकार कहीं ना कहीं आप मय का समर्थन कर रहे, आत्मा का समर्थन कर रहे, सत्कार दृष्टि का समर्थन कर रहे। और इसीलिए कर्मकांड में बाबा साहब ने सीधा सीधा कहा कि मैं श्राद्ध पक्ष या पिंड दान नहीं करूंगा, और किसी भी, क्या कहते, मैं श्राद्ध पक्ष या पिंड दान नहीं करूंगा और किसी के भी हाथ से, किसी भी ब्राह्मणों के हाथ से नहीं करूंगा। इसके बाद फिर नहीं करूंगा तो क्या होगा? ठीक है, ब्राह्मणों के हाथ से नहीं किया तो फिर आप किसके हाथ से कर रहे? तो वहां कर्मकांड तो नहीं आ रहा। अगर कर्मकांड आ रहा है तो सत्ता दृष्टि आ रही, ध्यान रखना है। अगर हम कोई पूजा करते, पाठ करते, वो उसका उद्देश्य हमारा क्या है? अगर वो सही नहीं है, उद्देश्य अगर हमारे सामने उपयुक्त है तो हम सत्ता दृष्टि में है। और इसलिए बाबा साहब ने आत्म प्रतिज्ञा में कहा है, क्या कहा है? मैं ब्रह्मा विष्णु महेश, राम कृष्ण गौरी गणपति, गौरी गणेश, और हिंदू धर्म की, हिंदू शब्द लगाया उन्होंने, हिंदू धर्म की जितनी भी देवी देवताएं हैं। यहाँ शब्द ध्यान में रखना, हम होशियार लोग होते कहते कि बाबा साहब ने सभी देवी देवताओं को तो मना कर दिया, कि तुम कहाँ से देव लाए ये बुद्ध धर्म में? तो बुद्ध धर्म के देव किसको कहा गया इसको समझना है, टर्मिनोलॉजी समझना पड़ेगा हमें, बुद्ध की परिभाषा समझना पड़ेगा, पारिभाषा, भगवान किसको कहते हैं, देव किसको कहते हैं, देवता किसको कहते हैं। अगर हम उसी के समान मानते तो सबका दुश्मन। और इसलिए बुद्ध बाबा साहब ने जो प्रतिज्ञा दी उसमें एक एक का नाम लेकर, एक एक का नाम लेकर, ताकि ये समाज अभी भी सदियों सदियों से उसी में लिप्त था, उसके बाहर निकलने के लिए उन्हें बहुत समय लग सकता है, इसलिए एक एक का नाम, ताकि कल चल के कोई बाधा निर्माण न कर दे। बाबा साहब ने तो दीक्षा दी, धम्म की बुद्ध बना दिया, लेकिन बाबा साहब ने ये थोड़ी कहा कि इसको मत मानो, उसको मत मानो। बाबा साहब बोधिसत्व थे, प्रज्ञावान थे, हम प्रज्ञावान नहीं है, बाबा साहब प्रज्ञावान थे, उनको मालूम था ऐसे कुछ लोग हैं कि लोग ऐसे बखेड़ा खड़ा कर सकते कि नाम कहाँ लिया, इसलिए उनको श्राद्ध पक्ष भी लिखना पड़ा, पिंडदान भी लिखना पड़ा, ब्राह्मणों के हाथ से क्रियाकर्म करना भी ऐसा लिखना पड़ा। क्यों लिखना पड़ा? और वो ऐसा नहीं तत्व के रूप में नहीं दिया उन्हें, प्रतिज्ञा के रूप में दिया। जब कोई प्रतिज्ञा करता है ना, प्रतिज्ञा और शील में फर्क होता है, शील का पालन करे नहीं करे ठीक है, बुद्ध ने आपको पोलाइट बना दिया, हाँ मुलायम बना दिया, आपके ऊपर छोड़ दिया, लेकिन प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा करना पड़ता है उसको। अगर आपने बौद्ध बने तो प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी, और इसीलिए बाबा साहब ने अगर जो बौद्ध बनता है तो प्रतिज्ञा रूप में हमें बताया कि इसको छोड़ना ही पड़ेगा, अगर हम नहीं छोड़े तो सत्ता दृष्टि, ये जो आठ प्रतिज्ञा है सत्ता दृष्टि से बाहर निकालने के लिए है, बंधन से मुक्त करने के लिए है, और ये अनुत्तरी है। तो बाबा साहब ने वो अनुत्तरीय हमें सात आठ प्रतिज्ञा में दिया है, आठ प्रतिज्ञा अनुत्तरीय है, सत्ता दृष्टि से बाहर करने के लिए है, तो सत्ता दृष्टि ये बंधन को मुक्त होने के लिए हमें यह आठ प्रतिज्ञा को देखना पड़ेगा, और तब हम समझ जाएंगे कि सही में सत्ता दृष्टि पक्ष के दृष्टिकोण। पूर्वाग्रह बना के रखे, सत्ता दृष्टि माने क्या? पूर्वाग्रह होता है, और पूर्वाग्रह माने क्या? कोई बात में जीत करना कि मैं जो कहा वही सही है, मेरी आत्मा ही सही है, तू गलत है, दूसरे को गलत समझना। इसलिए कहा है अभूतवादी निरयं गुपेति यो चापि कत्वा न करोमि कि क्या हम, क्या कहते हैं बुद्ध? अभूतवादी निरयं गुपेति
यो चापी कतवा न करूंगी पीछा, ये सत्ता दृष्टि के लक्षण है। इसलिए क्या कहते हैं कि जो नहीं है, क्या कहते हैं, अभूतवादी निरंगुपेति, अभूतवादी जो है नहीं अस्तित्व में, उसके पीछे लगना, ये सत्ता दृष्टि है। जो नहीं है अस्तित्व में, क्या है अस्तित्व में, अगर आपने अस्तित्व में जो नहीं है उसके पीछे लगना, आत्मा अस्तित्व में नहीं है उसी के पीछे लगना, ईश्वर अस्तित्व में नहीं है उसी के पीछे लगना, तो ईश्वर और आत्मा ये है नहीं है और उसके पीछे लगना, ये सत्ता पक्के दृष्टिकोण बना के रखे, नहीं कहीं ना कहीं भगवान है, कहीं ना कहीं आत्मा है, हम ऊपर से भलाई नहीं तौर पे चलते लेकिन अंदर कहीं ना कहीं कुछ होता है, कोई आबा बाबा, कोई ऐरोबा भैरोबा, कोई साधु कोई सन्यासी, कोई ढोंगी कोई साधु, और उनको हम उनको सत्कार दृष्टि में जाकर उनका समर्थन करते हैं। अज्ञान है, अंधविश्वास है, बाहर निकलना पड़ेगा। और जब तक हम इस सत्कार दृष्टि को नहीं समझ सकेंगे तो विचित्र किस्सा तो और दूसरी चीज है, तिलवत परमा तो और दूसरी चीज है, उसको हम अगली बार देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम सत्कार दृष्टि को पूरा नहीं कर पाए। तो आपने सुना, कम से कम जितना सुना, अगर हमारे अंदर की मैं मेरा और अनुत्तर अगर हमें बनना है, संघ अनुत्तर है, ऐसे संघ को वंदन करते हैं हम, बुद्ध कहते हैं ये वंदना क्या कहती है, संघ वंदना में अनुत्तर प्रिय कर, जो पुण्य क्षेत्र निर्माण करता है ऐसे अनुत्तर श्रेष्ठ, ऐसे संघ को मैं नमन करता वंदन करता हूँ, और हमें ऐसे ही संघ को वंदन करना है, इसलिए करना है कि मैं भी ऐसा संघ का सदस्य बनूं, मैं भी मेरे अंदर का जो अहंकार मेरा सत्ता दृष्टि उसको नष्ट करूं, और मैं उस बंधन को मुक्त होकर, तीन बंधन से मुक्त होकर श्रोता पद की फल प्राप्त करें। तो आपने सुना, आपके अंतर्मन को प्रणाम करता हूँ और यहीं रुकता हूँ, सबको मैं पूछने जरूरी, धन्यवाद।